ये तो पूरे हिंदुस्तानी महिलाओं का हक है, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। ये कोई बीजेपी का देन नहीं है, उनको कंपल्शन में देना पड़ा। हम सब लोगों ने जम के आंदोलन किया, सारे पार्टियों पे प्रेशर डाला, तब जाके महिला बिल बना। ऐसा नहीं है किसी पार्टी का देन है, पहले तो बात ये है। अगर देन होता, 100% गिफ्ट होता तो हम भी बहुत खुश होते। इसमें ओबीसी महिलाएं नहीं है, उनका हक नहीं दिया गया, उनको पीछे छोड़ दिया गया, इस बात का हमें अभी भी अफसोस है। दूसरी बात यह है कि आज ये महिला रिजर्वेशन जो बिल दिया है, आज इमीडिएटली क्यों लागू नहीं करेंगे, क्यों लागू नहीं कर सकते? तो एक टोकनिज्म है मोदी जी से, इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी पार्टी का जो रवैया है उसे देख के, कि ये महिला बिल एक पोस्ट डेटेड चेक के जैसा है। आपने साइन कर दिया, अमाउंट डाल दिया, लेकिन तारीख नहीं डाला आपने, तो कब कब होगा आगे चल के रिजर्वेशन, कब लागू होगा, ये तो किसी को पता नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट। महिलाओं को एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, हमने आपके लिए काम किया है, लेकिन उसका रियलाइजेशन महिलाओं को अभी नहीं मिल रहा है। तो इसे कैसे काउंटर करना है, क्या करना है? सारे पार्टियों से बात भी चल रही है, काफी सारे ओबीसी नेता आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, हर एक प्रदेश से मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी वर्गों में भी चर्चा है, हमें आंदोलन करना चाहिए। तो हम तैयार है, BRS एज ए पार्टी, वी आर विथ ओबीसी ऑफ दिस कंट्री, वी आर विथ वुमेन ऑफ दिस कंट्री। प्रधानमंत्री जी तेलंगाना विजिट कर रहे हैं, कल यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी भी बोले कि फंड की बात की, कितना तेलंगाना को दिया, और चूंकि चुनावी साल भी है, चुनाव नजदीक भी है, तो तेलंगाना को कुछ मिल सकता है उस पूरे उनके विजिट पे, और बीजेपी की जो मंशा है उस पर। अच्छी बात है, मोदी जी को स्वागत करते हैं, हम तेलंगाना में आ रहे हैं, दो मीटिंग यहाँ पे मोदी जी के हैं। हमसे हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, लेकिन हमें नेशनल प्रोजेक्ट दीजिए, स्टेटस दीजिए, क्योंकि हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इसमें आपका 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कंट्रीब्यूशन दीजिए, नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दीजिए, हमारे कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, हमारा नया और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है पालमूरु रंगारेड्डी, उसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दीजिए। और ये 10 सालों में तेलंगाना को बीजेपी गवर्नमेंट ने एक भी IIM नहीं दिया, एक भी IIT नहीं दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें दे दीजिए, NAD जैसा इंस्टीट्यूट हमें दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे आप नया स्टेट को? और ITIR जैसा एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पहले प्रपोजल थे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, जो विभाजन के समय के जितने भी हामी थे, जितने भी वादे थे, वो सारे आपने किसी भी एक का भी पालन नहीं किया। तो ये सारे चीजों के बारे में अगर बीजेपी से मोदी जी जब आ रहे हैं यहाँ पे, उनपे बात करेंगे तो तेलंगाना को लोगों को अच्छा लगेगा। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले एटलीस्ट 10 सालों में लगातार मोदी जी ने संसद में, बाहर रैलियों में एक बात कहा है जिससे हमें तेलंगाना के लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि आपने माँ को मार के बेटे को पैदा कर दिया, तेलंगाना का जो जिस तरीके से गठन हुआ था उससे तेलंगाना की जनता खुश नहीं है। वो तो गलत बात है, तेलंगाना की जनता बेहद खुश है, तेलंगाना की जनता के हक है तेलंगाना का राज्य का, इसीलिए हमने आंदोलन किया था 60 ईयर्स। तो जिस तरीके से ये बातें बोलती है, हमारे इमोशंस को बहुत ठेस लगा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि तेलंगाना का गठन होना अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है, हमारे लिए बेहद खुशी का इवेंट है, तो आप ये जान लें। विमेन रिजर्वेशन बिल पे जब आप सेलिब्रेट कर रही थी तो उस समय बीजेपी के कई नेताओं ने यह सवाल उठाया कि आप विमेन रिजर्वेशन की बात तो करती हैं, CM साहब लेटर भी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो चीज दिखा नहीं पिछले 9 सालों में, उस पर क्या कहना है? देखिए, किसी पार्टी में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि महिलाओं को किसी ने भी इक्वल स्टेटस नहीं दिया है। एक ममता दी है, एक नवीन पटनायक जी है, और कभी जया मैडम होती थी तो उन्होंने दिया है, बट बाकी किसी ने नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी नहीं दिया, सोनिया गांधी जी जब स्टेट प्रेसिडेंट, कंट्री का प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की, तभी वो नहीं दे पाई, सुषमा जी जब बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी तभी बीजेपी में वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाई। अल्टीमेटली महिलाओं को किसी पार्टी ने भी ही मुकाम नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की वजह से ही हो सकता है। इसीलिए तो लड़ रहे थे महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए, तो अब आरक्षण मिला है तो हर पार्टी को देना पड़ेगा, लेकिन कितना जल्दी हो लागू कर पाएंगे उसके ऊपर अभी लड़ाई है। तो बीजेपी की पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप भी शामिल हो जाइए, हमारे साथ लड़िए, ओबीसी महिलाओं के हक के लिए लड़िए, इमीडिएटली इसको एनफोर्स करने के लिए लड़िए। आप पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, कमेंट्री से कुछ फायदा महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को खुले मन से चैलेंज किया कि आप आके यहां से चुनाव लड़िए, उस पर आपको क्या कहना है?
नहीं, हम वेलकम करेंगे राहुल जी को, आइए हैदराबाद, आप अच्छे से लड़िए, इट इज अ फ्री कंट्री, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। वैसे तो वो पहले भी वायनाड से लड़ चुके हैं, अमेठी भी, और दोनों जगह, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर वो आ रहे हैं तो हैदराबाद आ सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में असद भाई से मुकाबला तो मुश्किल है, बट वो तो कहना चाहते हैं हम।